नमस्ते जी। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कमर दर्द जिन लोगों को है, वे लोग योगासन करके कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। जिनको बहुत पुराना कमर दर्द है, वे भी योगासनों से अपने कमर दर्द को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, हमेशा के लिए। कुछ चीजों का ध्यान रख करके, सावधानी रख करके यदि चलेंगे तो कमर दर्द आगे से होगा भी नहीं कभी। तो हमें कुछ चीजों को ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो हम खड़े होते हैं, तो खड़े होने के लिए हमें कुछ विधि को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी खड़े होने के लिए हम गलत विधि से खड़े होते हैं तब भी कमर दर्द हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठ करके और एक पैर यूं लगाकर ऐसे खड़े हो जाइए, और जब झुक करके कोई चीज मान लो उठाते हैं तो आपको ऐसे झुक करके नहीं उठानी है, आपको पूरा बैठ करके फिर उठाना है और फिर खड़े होना है, ये ध्यान रखना है। और वैसे बैठने के बाद भी अगर कोई वज्रासन में आकर के नहीं खड़ा हो पाता तो कोई नहीं, आपको यूं बैठना है और यूं दोनों पैरों को में से एक को आगे रखना, एक को पीछे रखना, और दोनों हाथों का यूं सपोर्ट लगा के यूं खड़े होना। इस प्रकार से ये खड़े होंगे तो कमर पर जोर नहीं पड़ेगा। कैसे, कमर दर्द में उपयोगी बैठना और खड़े होना भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो कमर दर्द बैठ जाता है। कैसे करना है, एक आगे एक पीछे, और दोनों हाथों को यूं प्रेशर लगाएं और धीरे से यूं ऐसे खड़े हो जाएं, तो कंधों पर जोर पड़ेगा। कोई चीज आपको उठानी है तो यूं ना उठाएं, कभी भी ऐसे नहीं उठाना, आपको यूं बैठना है फिर उठाएं। ऐसे ही आपको लेटने में भी ध्यान रखना है। यदि आपको कमर दर्द रहता है या कमर के दर्द से हमेशा के लिए बचना भी चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लेटने समय भी ऐसे करवट लेकर के लेटना, दाएं या बाएं कहीं से भी आपको करवट लेनी है, इधर से या उधर से, ऐसे रखना है दोनों हाथों को और फिर धीरे से ऐसे लेट जाना सीधे। इसका आपको ध्यान रखना है। उठते समय में भी आपको ये ऐसे ही रखना है, तो कमर दर्द फिर आपको होगा नहीं, और यदि हो रहा है या हो रखा है अभी तो वो ठीक हो जाएगा। कमर दर्द में उपयोगी कुछ आसनों को देख लेते हैं, कौन कौन से आसन हमारे को कमर दर्द में रिलीफ दे सकते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, देखो ध्यान से देखना, करना भी साथ में। जिनके है वे भी और जिनके नहीं है वे भी करेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी अच्छी लचीली बनी रहेगी। तो दोनों पैरों में इतना फासला होगा, इतना दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रख लेंगे। पहला अभ्यास में दोनों को मिला लेते हैं, श्वास बाहर होगा और घुटनों को बिल्कुल जमीन पर यूं लगा देंगे और गर्दन दूसरी ओर, आंखें बंद होंगी और मन को टिकाए हम अपनी कमर पर, पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर। जो खिंचाव आ रहा है, जो तनाव आ रहा है रीढ़ की हड्डी में, उसको अनुभव करें, रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर दूसरी ओर। 1, 2, जिनके कमर में दर्द है वो साथ में कर लो मेरे, आपको अभी के अभी रिलीफ महसूस होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वापस आ जाए। दूसरा पे इसको दो दो तीन तीन बार कर लेना, ऐसे ही दूसरे को कर लेंगे। दूसरे में क्या होगा, पैरों में थोड़ा फासला होगा, आपको ये देखना है यहां से कितना फासला रख रखा है। तो यहां से बिल्कुल पास में, बहुत सटा के नहीं रखा, बहुत दूर भी नहीं रखा, इतना पास में रखा ऐसे। अब क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे अच्छा सपोर्ट लगाना है, हाथों पर जोर लगेगा, और एक घुटने को यहां इस पैर पर और दूसरे घुटने को यहां जमीन पर, सांस बाहर और दूसरी तरफ घूम जाएगा शरीर। कमर पर मन टिकाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, बैठे बैठे मरकट आसन का दूसरा अभ्यास है, पहला अभी हमने किया है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से आपको दूसरी ओर से भी करना है, सांस बाहर, एक घुटने इस पैर पर, दूसरा घुटना जमीन पर, अपर पार्ट ऊपर घुमा करके, गर्दन दूसरी ओर घुमा करके, रोके, आंखें बंद, सांस बाहर। रोक सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रोक सकते तो सामान्य चलने देंगे,
कमर पर अपने मन को टिकाएं। पंद्रह बीस पच्चीस सेकंड तक रुका करें एक आसन में, इससे कम में लाभ नहीं होता तो आपको रुकना चाहिए। निश्चित रूप से आपको तुरंत लाभ होगा, अभी के अभी कमर अच्छी हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखने की बातें। अब हम बैठ करके जो आसन हमने दो किए, अब हम लेट करके करेंगे। देखो इसी प्रकार से जैसे मैं लेट रहा हूं ऐसे ही आपको भी लेटना है। दोनों हाथों को ऐसे साइड में खोल लेंगे, हथेलियां आकाश की ओर देखते हुए बिल्कुल कंधों के बराबर में बिल्कुल सीध में खोलना है ऐसे। फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से उठा लेना और पास में इन एड़ियों को नितंबों के पास ले लेना, हिप्स के पास में हील्स। श्वास बाहर होगी, घुटनों को एक तरफ जमीन पर टच करने की कोशिश करें और गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएं और कमर पर अपने मन को टिकाएं, आंखें बंद रखें, मन को शांत रखें। श्वास यदि बाहर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रोक सकते हैं तो कोई बात नहीं, श्वास ही सामान्य कर सकते हैं, लेकिन कमर पर मन को टिकाए। ये जैसे ही पीठ ऐसे घूम रही है बस उस पर मन को टिका कर रखें। श्वास भरते हुए वापस, जिसने श्वास बाहर रोक रखी है वे लोग श्वास भरते हुए आए, जिन्होंने श्वास से नॉर्मल कर रखी है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। फिर दूसरी ओर इसको करेंगे, गर्दन दूसरी ओर, घुटने एक ओर, कोशिश ये करें जमीन से लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, वापस आ जाए। ये ध्यान रखना है, कुछ लोग गलती करते हैं, मैंने देखा कुछ लोग कैसे गलती करते हैं, इसको यूं 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 लाएंगे और यूं करके यूं लगा देंगे, इससे कमर पर क्या जोर आएगा। आपको इनको बीच में रखना है, इनको खिसका करके यूं लाएंगे फिर लगाएंगे ऐसा नहीं करना, बिल्कुल अपनी जगह रखना है, अपने स्थान पर लगा रहेगा और फिर धीरे धीरे यूं लगाना है। ये बीच में रहेंगे पैर, पैरों को खिसकाना नहीं, ये ध्यान रखना। और कोशिश यही करनी है आपको कि ये कम से कम उठे। कई बार क्या होता है लोग यूं करके यूं उठा ही देते हैं, पूरे पूरे नहीं उठाने, कोशिश करें कम से कम उठे, फिर थोड़े जितने उठते हैं वो तो उठेंगे लेकिन कम से कम उठाए ताकि कमर पर जोर तो लगे। ये हमारा पहला अभ्यास हो गया, अब हम दूसरे प्रैक्टिस में चलेंगे। घुटनों में थोड़ा फासला रखें, अब एक घुटने को एक पैर से लगाएं, दूसरे घुटने को जमीन से लगाएं ऐसे, सांस बाहर, ये दोनों इस तरफ लेफ्ट साइड लगा देंगे तो ये घुटना जमीन से और वो घुटना उस पैर को छू जाएगा, टखने को छू जाएगा या अंगूठे अंगुलियों को छू जाएगा। तो सांस बाहर, दूसरी तरफ हमारी गर्दन होगी, कमर पर मन टिका के रखें, आंखें बंद रखें। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, वापस। जिनके L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3 किसी ही मन के में समस्या हो, डिस्क बल्ज हो गई हो, MRI में बहुत खराब रिपोर्ट आती हो तो भी चिंता मत करो, ये वाले अभ्यास करना, अच्छे हो जाओगे, पक्की बात है। हमारा 12 सालों का अनुभव है, हमने सैकड़ों लोगों को इन्हीं आसनों को करा करके 50 से ज़्यादा लोगों को एक एक बार में प्रयोग करवाया है और उनमें से 49 लोग आकर के बोलते हैं कि हमारा कमर दर्द 15 सालों से था, किसी का 10 साल से था, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसका 30-30 सालों से बैठा हुआ था, ऐसे 80-80 साल के लोगों को, 70-70 साल के लोगों का भी हमने ठीक किया, केवल इन्हीं आसनों से किया, इसी सावधानी से किया जो आपको बता रहे हैं। तो क्या करना है, ये वाला इस तरफ से कर लेना है, ये घुटना जमीन से और एक घुटना हमारे पैर से लगाएं, सांस बाहर और दूसरी तरफ गर्दन, आंखें बंद, मन को टिकाएं अपने रीढ़ की हड्डी पर या कहां जहां पर कमर में दर्द है वहां टिका के रखें। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, वापस आ जाए।
किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे बता देता हूं, यहां से देख लेंगे ऐसे। ये पहला नंबर कैसे किया था, ये पास में करके इनको एक तरफ लगा दिया ऐसे, गर्दन दूसरी ओर ले गए थे ऐसे ही, दूसरी तरफ लगा दे गर्दन एक ओर ले गए थे ऐसे, दूसरे वाले में हमें यूं लगा करके यूं कर रहे थे, यूं लगा करके यूं कर रहे थे। अब हम तीसरे अभ्यास को देखते हैं, थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है कमर दर्द के सभी लोगों के लिए। सांस भरते हुए राइट वाला पैर ऊपर उठा लेंगे, श्वास बाहर लेफ्ट वाले हाथ की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, घुटना सीधा और गर्दन दूसरी को, और ये पकड़ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। अभी शुरू में तो सबके नहीं आएगा, शुरू में तो लग जाए वही बहुत है, ऊपर ही उठा रहता है कहीं होगा, तो शुरुआत करें, प्रयास करेंगे हो जाएगा। दोनों घुटनों को सीधा रखना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, वापस श्वास भर के आ जाए। इसी को दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से करना। अब ध्यान से देखना, फिर से बोल बता रहा हूँ, फिर से करता हूँ इसी को। राइट वाला पैर ऊपर, सांस भरते हुए, अब यहीं से श्वास पूरा बाहर फेंकेंगे, श्वास बाहर और इसको यूं लगा देना, गर्दन दूसरी ओर, कमर पर मन को टिका है। और अब नॉर्मल ब्रीदिंग करना चाहते हैं, कोई नहीं रोक पा रहा सांस, चिंता मत करो, हाई बीपी वाले, हार्ट की प्रॉब्लम वाले, सब श्वासें नॉर्मल कर लो, जो रोक सकता है तो रोको, लेकिन हाई बीपी, लो बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम वालों को नहीं रोकना है श्वास को, न बाहर न अंदर। श्वास रोकने का कोई अभ्यास नहीं करना। कमर दर्द के लिए एक और अभ्यास देखते हैं, कंधरासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, धीरे धीरे एड़ियों को नितंबों के पास लाएं, ऐसे टखनों से यूं पकड़ लेंगे कस के, किसी के पकड़ में आ रहे होंगे और किसी के नहीं भी आ रहे होंगे, तो नहीं आए तो चिंता मत करना, ऐसे टच कर लेना, ऐसे पकड़ने का यूं प्रयास करना, टच तो हो जाएंगे, किसी के टच भी नहीं हो रहे तो कोशिश कर लेना, लेकिन करना है यह आसन, ये समझना। एक दिन में नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, लेकिन कमर तो ऊपर उठानी है, कैसे उठानी है देखो, सांस भर के कमर को ऐसे ऊपर उठा ले। अभी इससे पहले जो तीन मरकटासन बताए थे, स्लिप डिस्क के पेशेंट भी उसको कर सकते हैं, स्लिप डिस्क जिनके हो रखा है। अभी इस वाले अभ्यास में क्या है, ये कमर दर्द वाले लोगों के लिए, इसमें अभ्यास में क्या होता है, हमें अधिक से अधिक कमर को ऊपर उठाना होता है, हमें एड़ियां जमीन पर लग, पूरा पैर ही जमीन पर लगा रहा है। कुछ लोग यूं गलती करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, उठाना नहीं है आपको, पैर जमीन पर लगा के रखना है, इनसे सटा के कस के रखना है अपने हाथों से इस टखनों को, कोहनियां भी जमीन पर। इस प्रकार से कंधरासन का अभ्यास, इसको कुछ लोग सेतु बंधासन या ब्रिज पोज भी कहते हैं, लेकिन ब्रिज पोज इसमें ऐसे होता है, यूं हाथ लगा करके और फिर धीरे धीरे एक एक पैर को आगे ले जाते हैं, इसको कहते हैं ब्रिज पोज, ये है सेतु बंधासन। लेकिन ये तो कंधरासन है, कंधरा यानी गुफा, केव, तो गुफा का आकार इस आसन में दिखता ही है हमें। ये थायराइड के रोगी भी करेंगे ना, तो उनका जालंधर बने अल्लाह के, थायराइड के रोगियों को भी खूब लाभ होगा। तो ये हमारा आसन हो गया कंधरासन, इसको भी तीन से चार बार कर सकते हैं, आपके अंदर जितना सामर्थ्य, जितना समय है, जितना जल्दी आप अच्छे होना चाहते हैं करिए, निश्चित रूप से अच्छा लाभकारी होगा। ऐसे और भी आसन है, पेट के बल लेट करके भी है, थोड़ा सा आपको इन आसनों को भी अगर आप कर लेंगे, इन चार पांच आसनों को आज बताया, इनमें से तीन चार भी कर लेंगे, फिर क्या करना, थोड़ा सा आराम कर लेना। जैसे मान लो आपको ये आसन करने में 10 मिनट लग गए, तो 10 एक मिनट वापस आपको आराम करना, 5 से 10 मिनट आप आराम करें। आराम कैसे करना, पैरों में थोड़ा फासला रखना, हथेलियों को कमर से थोड़ी दूरी पर आकाश की दिशा में रखना, आंखें बंद, शरीर को ढीला, बहुत गहरे श्वास भरे छोड़े श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें, और इन्हीं पर मन को टिका कर रखें। फिर थोड़ी देर बाद अपनी कमर के उस भाग को मन पर टिका के रखें जहां दर्द था पहले, अभी भी मान लो किसी को बना हुआ है तो कम हो गया होगा, बहुत कम हो गया होगा,
बस उस पर अपने मन को टिकाए, इन आसनों से जो लाभ हुआ उसको अनुभव करने का प्रयास करें, एक्सपीरियंस करने का, फील करने का प्रयास करें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें, ढीला छोड़ने की कोशिश करें। बहुत गहरा श्वास और प्रश्वास। तरह से आपको 5 से 10 मिनट रिलैक्स होना है गहरे श्वासों में और शरीर ढीला छोड़ के। फिर आपको क्या करना है, उठना है, दोनों हाथों को एक करवट में लगाकर एक साइड में लगा करके उठना है। किसी को बहुत ज्यादा समस्याएं हो तो चिंता मत करना, वात बड़ा हुआ है, वात को घटाने के लिए 2-3 घरेलू चीजों को ले लेना। कौन सी आयुर्वेद में भी है, घरेलू भी है, दोनों तीनों चीजों को आप लिख लो, आपको बता देते हैं कैसे लेते हैं। प्राणायाम जरूर किया करें, जिनके रीढ़ की हड्डी के छल्लों में समस्या आ रखी है उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। L1 से लेकर L5 तक और एक और अभ्यास, नहीं प्राणायाम का अभ्यास बता रहा हूं, और एक और भाग जो हमारे रीढ़ की हड्डी का है S1 S2 जो सेक्रम सेक्रल का पार्ट है। अभी लंबर की बात की L1 से L5, ऐसे ही सेक्रम की भी, तो इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों वर्टिब्रीज को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो आप प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो आपको पूरी तरह से 100% आप ठीक हो जाएंगे। कमर दर्द, पीठ दर्द तो आपके नहीं रहेगा। आजकल आप जाकर देखें डॉक्टर लोग भी इन आसनों को करके बताते हैं और कहते हैं रोज करो, दर्द की गोलियों में कुछ नहीं रखा। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो योग की सलाह देते हैं, एक्सरसाइज की सलाह देते हैं और आपको करना चाहिए। आप दवाई कब तक लोगे, पेन किलर कब तक लोगे, तो आपको ये जरूर लेना है। उसके अलावा घरेलू चीज़ों की बात बताता हूँ, जिसको ज़्यादा समस्या हो रखी है वे लोग देशी सौंठ को ले आए, उसको पीस करके आधा चम्मच प्रतिदिन आपको लेना चाहिए। देशी सौंठ जो मिलती है पंसारी आदि के पास मिल जाती है, तो उनके पास से देशी सौंठ ला करके आप उसको पीस करके आप उसका आधा चम्मच प्रतिदिन लेंगे और चौथाई चम्मच आप अजवाइन को पीस करके लेंगे। और आयुर्वेद की यदि बात की जाए तो चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गुल, जिनको ज़्यादा समस्या है उनकी बात बता रहा हूँ, बाकी तो सब की इन आसनों से ठीक हो जाएंगे। चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गुल की एक एक दो दो गोलियाँ सुबह और शाम को गुनगुने पानी से खाली पेट लेनी चाहिए, जिससे आपका रीढ़ की हड्डी का या कमर दर्द का पूरा ही दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वात बढ़ने से भी होता है, खट्टी और ठंडी चीज़ों को ना खाएं, रखी हुई फ्रिज की चीज़ों को ना खाएं, तो कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उठने बैठने का, लेटने का, ये सब अभ्यासों को ठीक कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको कमर का दर्द पीछा छोड़ के आपका चला जाएगा। और अनुलोम विलोम एक और किया करें। कैसे करना है, कमर का दर्द एक बड़ा कारण है कार्टिसोल बढ़ने के कारण भी होता है। एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दो हार्मोन निकलते हैं। पॉजिटिव होता है एड्रिनलिन और नेगेटिव होता है कार्टिसोल। तो कार्टिसोल वैसे बनता भी है जबरदस्ती, क्यों, हम चाय पी लेते हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीना छोड़ो। अगर कमर दर्द ठीक करना है तो थोड़े दिन के लिए चाय को छोड़ो, कॉफी को भी छोड़ो, और उसकी जगह क्या पियो, उसकी जगह आयुर्वेदिक चाय पियो। आयुर्वेदिक चाय मिल जाती है, आयुर्वेद स्टोर्स पर मिल जाती है, खूब सारी मिलती है। ग्रीन टी नहीं लेनी है अपने को, हर्बल टी लेनी है, ये ध्यान रखना। और आपको प्राणायाम करना है। क्या करना है प्राणायाम में, दोनों हाथों में से एक हाथ को तो आपको इस वायु मुद्रा में लगाना है। वायु मुद्रा यानी पहली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगा करके यूं दबा देते हैं, और फिर दूसरी अंगुली से, हमारे दूसरे हाथ से हमें क्या करना है, इसी प्रणव मुद्रा को बनाना है। प्रणव मुद्रा यानी दो उंगुलियां अंगूठे की जड़ में और दो उंगलियां सीधी रख देंगे, प्रणव मुद्रा बन जाएगी। अब कैसे करना है, राइट वाली तरफ नाक को ऐसे बंद कर लेना, लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर निकाल देना। कुछ लोग हाथ यूं रखते हैं, ऐसे नहीं रखना, थक जाओगे जल्दी। फिर यहीं से भरना है, बहुत गहरा भरना, और फिर दूसरे से बाहर छोड़ देना।
फिर इससे गहरा पढ़ लेना। धीरे धीरे ये ध्वनि भी समाप्त हो जाएगी, आप गहराई से बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरी ओर से बाहर निकाल देना। ये अंगूठा इस तरफ बंद करने के लिए, दो उंगलियां इस तरफ बंद करने के लिए, क्या विधि है फिर से देख लेते हैं। एक तरफ से आपको गहरा भरना है, दूसरे से बाहर छोड़ना है, फिर जिससे बाहर छोड़ा इसी से गहरा भरना है और पहले से बाहर छोड़ना है। यहां से भरें, यहां से बाहर, फिर यहां से भरें और यहां से बाहर, फिर यहां से भरें, यहां से बाहर, फिर यहां से भरें, यहां से बाहर। ये रोज आपको 5 से 10 मिनट कम से कम करना है, इससे कम में 1-2 मिनट में कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए फिर इसके बाद इस मुद्रा को खोल करके और ओमकार का नाद किया करें। शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सारे जगत के कल्याण की भावना को रखा करो। राग द्वेष ईर्ष्या नकारात्मक विचारों से दूर रहने वाला भी व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ बना रहता है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक लाइव बने हुए हैं, कईयों ने देखा है। किसी का कोई प्रश्न आदि हो ना तो आप YouTube पर या Facebook पर कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, और या मैसेंजर में डाल देंगे ताकि आपको अगले दिन उसका उत्तर दे सकें। अभी भी मैं लाइव हूँ, अभी भी आप इसका उत्तर मांगना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, मैं यहाँ देख लेता हूँ और फिर जितना उत्तर आपको देने की आवश्यकता है उतना मैं देने का पूरा प्रयास करता हूँ। जितना भी आपके समाधान है, यौगिक समाधान, घरेलू समाधान आपके लिए वहाँ पर, यहाँ पर हम बताएंगे। तो योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम को चलते हुए लगभग 2.5 से 3 साल होने को आ गए। आप सबके, दर्शकों के बड़े प्रेम से ये चल रहा है, आप सबके बहुत अच्छे प्रेम भरे संदेश हम सबको मिलते हैं और हम इस कार्यक्रम को आप ही की हिम्मत से चला रहे हैं। तो स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम को अभी यहीं विराम देते हैं। आप लोग करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।